राम डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूं, काफी लोग पाचन शक्ति से कमजोर होते हैं, पाचन शक्ति दुर्बल होती है, खाया पिया अंग नहीं लगता है, जो भी भोजन करते हैं उस भोजन में से जो शरीर का अंश बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है। पर्याप्त मात्रा में लोग प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम लेते हैं, पर वो भोजन हजम नहीं होने से शरीर नहीं बनता है। उसके लिए पाचन शक्ति मजबूत हो, ऐसा एक घरेलू उपाय आपको बता रहा हूँ। ये सब जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ दुर्बल पाचन शक्ति, कमजोर पाचन शक्ति के लिए आपको घरेलू ऐसी आइटम से नुस्खा आप बना सकते हैं, जिसमें मूल जो आइटम है वो आप देख लीजिए। सौंठ, पिपली, चव्य, चित्रकमूल, छाल, चित्रकमूल की छाल, मुलटी, पिपला मूल, इन सबको 50-50 ग्राम में लीजिए। और इसके अंदर काली दाख, उसके जो बीज होते हैं उसको निकाल के 300 ग्राम लीजिए। फिर आपके जो हमाम दस्ता होता है, उस हमाम दस्ते में इसकी कुटाई कर लीजिए। जब इसमें ये सब एक समान हो जाए चूर्ण, तब आप जो बेर होते हैं ना, लाल आते हैं, उस बेर के समान गोलियां बना लीजिए। गोलियां बनाने के बाद में आवश्यकता अनुसार मुख में रखिए, चूसिए खाने के बाद में। इससे जो लार बनेगी वो, इसमें एमाइलेस रस होता है, वो भी आपके लिए सहायक बनेगा भोजन पचाने में, और आपको अच्छा तंदुरुस्त महसूस होगा। आपको जो पाचन शक्ति की दुर्बलता है वो भी साथ में दूर हो जाएगी। सार्थक टिप्पणी होगी तो टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी का दबाव दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।